गांव वाले आपको क्या बोले, क्या समझाए? ये गांव वाले, हाँ ये गांव वाले बोलते हैं बाबा पखंडी है, झूठा है, 50,000 रुपया लेता है अंदर जाते साथ। अंदर जाएगा तो सबसे पहले 50,000 रुपया मांगेगा। तो मैं अंदर आया तो देखा तो 250 रुपया एक भूत का लगता है, उतने का तो बाबा खिचड़ी भी खिलाता है, बहुत बाबा सेवा कर रहा है। तो बाहर जाके मैं उसको बोला 50,000 तो मेरे से मांगा नहीं है उसने, बाबा ने 50,000 नहीं मांगा। कहाँ भेज रहा था आपको? मुझको वो बोलता हूँ सामने वाला पीर है वहाँ पर, वो कुछ इस गांव के अंदर बाबी बाबा है जहाँ कमीशन बंधा हुआ है, हाँ। एजेंट लोगों का, कुछ ऑटो ड्राइवर आपको बहकाएंगे, हाँ। और वो क्या बोल रहा था डॉक्टर? वो बोलता मैं डॉक्टर हूँ। वो डॉक्टर नहीं है, वो कंपाउंडर था, अभी जमीन का वो दलाल बन गया है, हाँ, बगल में ना, जस्ट बगल में ना, ये दीवार के साथ वाला। हाँ, तो फिर आप उससे मिले नहीं दोबारा कि 50,000 तो नहीं लिया? हाँ, मेरे से 50,000 किसी से भी नहीं लिया, किसी को कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है, हमें पैसा दे दे ये हो ही नहीं सकता। हमने जो वीडियो में सुना था 250 रुपया, वो 250 रुपया ही लगता है। बाबा जी बोलते हैं अगर किसी ने नहीं करवाना तो बाहर चला घर चला जाए। मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं कोई किसी की भिक्षा नहीं लेता। कितने साल से आपकी लड़की परेशान थी? मेरी बेटी 3 साल से परेशान थी। कितने बाबी बाबाओं को दिखाया आपने? बाबी बाबा को, डॉक्टर को दिखाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर को कहाँ दिखाया? डॉक्टर को बाहर ऑस्ट्रेलिया में दिखाया, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन बेटी ने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। डॉक्टर क्या बोला? बोलता हमारे बस की बात नहीं है। नहीं है, नहीं है। पुलिस को बुलाया? पुलिस खुद आया, डॉक्टर ने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने एम्बुलेंस को बुलाया, वो ऐसा काम कानून है। तो पुलिस से बात नहीं बनी, डॉक्टर से बात नहीं बनी, बड़ा अस्पताल वाला आया उसी से बात नहीं बनी। नहीं बनी, वो तो जब तक मुँह से नहीं बोलेगा तब तक हम हाथ नहीं लगा, नहीं लगा सर, कानून है, वो ऐसे ही चले गए, चला गया। जब गया तो वो अंदर वाली चीज है, बोलती हम जीत गए, जीत गए, भूत प्रेत बोला हम जीत गए, प्रेत बोला हम जीत गए। तो बाबी बाबाओं को दिखाया तो कितना रुपया आपने दिया होगा? बाबा बाबा एक बार 50,000, दूसरी बार 50,000, इंडिया का 50,000, इंडिया का 1,00,000 हो गया। 1,00,000 तो कुछ फायदा हुआ? 70,000 तो एक बाबा भी मर गया। अच्छा, 1,70,000 और भी दे दिया? 1,60,000 एक को, 60 दे, 1,60,000, 1,70,000 दिया, 1,00,000 रुपया दिया पंडित को। एक जलंधर में एक पंडित है, उसको 1,00,000 रुपया दिया हम, फिर भी कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर होता है फिर उसके बाद वही हो जाता है, उसी का नाम आ रहा है। पहली बार जब यहाँ आप आए थे तो भूत प्रेत इसका हाथ मार एकदम कैसे हाइट देता था, एकदम हाइट देता था, दो कई आदमी पकड़ के लाए थे, मारता था सब, शीशा तोड़ता था, दरवाजा। अभी ऊपर के उस दिन हमने भूतों को बुलाया, उसी दिन हमने पूरे सबकी पुष्टि करवाया, और आज उसके बाद ऐसा कभी अब तक हुआ? खुद चल के आया। 3 साल बाद पहले बार इंसान सही इंसान जैसे बात कर रही है। घर में रोया जाके बाबा, इधर से जाके घर में जाके रोई, बोलती मेरे को 3 साल पहले इधर लेके क्यों नहीं आए? मेरा 3 साल का जिंदगी खराब हो गया, पहले क्यों नहीं इधर लेके आए, अभी लेके आए, अभी मैं ठीक हूँ। तो वीडियो आपका हस्बैंड देखा और आपको दिखाता था तो आप क्या बोलती थी उसको? हस्बैंड को इंटरनेट पे दिखाता था आपका हस्बैंड, तो वीडियो आप मेरा देखती थी तो क्या? मैं पहले देखती थी, मैं बोली क्या है, डर लगता है मेरे को, बोलता ऐसे ऐसे सब हो रहा है, डर लगता है, मत देखो। मैं सच्ची बोली, मैंने बोला मत देखो, वो पंडित ने जो रख बना के दी ना, धागा बना के दिया, मैं बोला उससे ठीक हो गया, सिर्फ 7-6 महीना ठीक रहती है, उसके बाद फिर वही गेट चलता है। वक्ती वो लोग राहत दे देते हैं, पैसे ले लेते हैं, फिर पैसा, फिर तो फिर यही जिंदगी भर वो पैसा लेते रहते हैं। इसी महीने में जुलाई के महीने में ही 50,000 उधर से भेजा पंडित को भेजा जिस पंडित से उसका चाची करवाता है उससे। तो फिर मैंने भूतों को हाजिर कराया, फिर आप लोगों के ऊपर किसी के ऊपर शक था? मैं बोलता हूँ कि शक किसी के ऊपर आप कर सकते हो, मगर भूतों ने बताया हमको कब भेजा, किसने भेजा, कब भेजा, क्यों भेजा, 3 साल पहले भेजा, वो भूतों की भी कहानी हम इसमें कैसेट में जोड़ के दिखाएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि घर ही के दुश्मन होते हैं, बाहर के कहाँ फुर्सत है किसी को। और वो भूत बोला कि मैंने तीनों को बीवी बनाया था, आपको भी बनाया था बीबी, सही है? सही है, महसूस भी होता था आपको? और लेडी आपको भी बीबी बनाया था, और आपकी बहन को भी बीबी बनाया था, भूतों ने भी बताया। हाँ। फिर उस दिन से क्या कभी ऐसा कुछ महसूस हो रहा है आप लोगों को? नहीं हो रहा, और कभी नहीं होगा। जो बीबी बनाया था मैंने खुद देखा, मैंने हमने आंखों से देखा इसको बीबी बनते, इतनी जोर से पकड़ता था, मैंने इसको पकड़ा। भूत प्रेत यही करते हैं, गंदा काम ही करते हैं। तुमको उल्टी में क्या निकला?
चावल निकला, चावल का माल निकला पेट में दर्द से। कितने साल से परेशान थे? एक साल से। एक साल से डॉक्टर वॉक्टर क्या बोलते थे? पता नहीं लगता था। नहीं लगता था। ये आपका होने वाली बीबी के ऊपर का भूत ने बताया कि इसको इस चीज में निकलेगा, वही निकला आपके घर पे। ठीक है, आराम है उससे? आराम है। जब भूत प्रेत पूरे दवा खा लेना जड़ी बूटी, निकल जाएगा, भूतों को मार देंगे, हमेशा के लिए आराम हो जाएगा। फिर कोई ना करके खिलाए आपको तो, फिर कोई करेगा तो फिर आप परेशान हो सकते हो। इसलिए मेरी सलाह है, किसी का भी शक हो जिसपे उसका खाओ नहीं, लेके रख के साइड में फेंक दो, मत खाना। आपको यहाँ कैसा लगा मैडम? कुछ पढ़ी लिखी है या कितना पढ़ी लिखी है? 12 मतलब वही वहाँ की भाषा आती है आपको? हिंदी बहुत कम आती है? आती है पर मुझे पता नहीं था कि यहाँ कौन सी क्लास। आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मैं 16 तक पढ़ी हैं। आप कितना पढ़े हो? 9 पढ़ा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये बाबा जी के आदमी है, आप मेरे आदमी तो नहीं हो? नहीं, करते हैं ना नेट पे। इतने सालों के बाद इधर आया पहुंचा तो हमने यही देखा, बाबा जी का कोई झंड नहीं है, हमको फायदा मिला जो सात लोग देखे हैं। और कुछ कमीने ने बोला कि बाबा जी का औरत बीबी बच्चा नहीं है, कौन बोला था? ये बाहरी किसी ने बोला कि इसका बाबा। मैंने बोला, मैं ऑस्ट्रेलिया से फोन किया था, एक औरत ने फोन उठाया था, हो सकता है बाबा की बीवी है। वो बोलता है बाबा की कोई बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, तो उसकी वो एजेंट है। मेरी बीवी है, 3 बच्चे हैं हमारे, एजेंट नहीं है। ये गांव वाले जलते हैं, लोगों को बहका के कमीशन वाले बाबा के यहाँ भेज देते हैं, उनको कमीशन मिलता है। तो हम कहते हैं कि आपको जहाँ जाना है जाओ, अपने विवेक से काम करो, कहाँ जाना है, क्या देखा है, वहाँ जाना है या ये लूटने वाले बाबी बाबा के जाना, मुझे कोई टेंशन नहीं। आज मैं वो भोला, इतना भोला भी नहीं हूँ, अगर भोला होता तो वो उसकी बात मान लेता, तो उधर चला जाता कुछ पैसा लिए बिना। नहीं, पैसा तो बहुत ले लेता वो भी तुरंत, और उसके बाद फिर लोग लूटने के बाद फिर वो यही जगह आते हैं कि हमें जाना था यहाँ, हम कैसे वहाँ चले गए। तो लूटने के बाद फिर यहाँ आते हैं, फिर वो यहाँ से ठीक होके जाते हैं। इधर आने से बहुत लोगों ने रोका, जिसने किया है उसने भी रोका, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उधर मत जाओ। लेकिन हम, हमारा इरादा पक्का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलकार सिंह है। चलो ठीक है, हम आपका मोबाइल नंबर इंडिया का और वहाँ का दोनों डाल देंगे, किसी का फोन आएगा, आपको फायदा हुआ नहीं हुआ पूरी ईमानदारी से बताना। कर भला सो भला, सो भला, हम तो बताएंगे, ऊंची आवाज से बताएंगे। आपकी माँ को उल्टी में क्या निकला, आपको क्या महसूस हो रहा था? क्या महसूस हो रहा है उल्टी में, आपको क्या निकला पूछो? क्या निकला उल्टी में? उल्टी बोला मोटा मोटा निकल गया, डॉक्टर बोलते बोलते टीका इंजेक्शन दे देते हैं, गोली दे देते हैं। वो जो करके खिलाया था ना वो निकल जाएगा, वो हलवा था, हलवा आटे का हलवा था। ठीक है, अभी निकलेगा, उसको लैब में भेज के जांच करा लेना। आटे का हलवा बनता है ना, वही था, 35 साल पुराना वो हलवा था, पेट के अंदर है, जांच करवा ले। ठीक हो जाएगा, भूत प्रेत मराएगा, ठीक हो जाएगा। ओके, अंदर तू कितने साल से था? 7 क्या? 7 है, 7 साल। किसने तुझे अंदर डाला, उसका नाम बता, औरत या आदमी? औरत। क्या नाम है उसका, उस औरत का नाम? उस औरत का नाम रज है। रज, रज क्या, क्या रज, क्या रजविंदर? रजविंदर। इस लड़की की वो कौन है, कोई है, कोई रिश्तेदार? रिश्तेदार नहीं है। क्या दुश्मनी थी इसको करके खिलाया, किस चीज में करके खिलाया था, किस चीज में करके तुमको अंदर डाला था इसके पेट में? उल्टी में इसको क्या निकला? चाय। चाय, चाय में उसने पिलाया था। ये कौन है रजविंदर? वो भी दूसरी चाची है। अच्छा, वो दूसरी चाची है, दूसरी चाची। उसका पति जिंदा है कि मर गया? जिंदा है। काम क्या करता है, काम क्या करता है? काम बाहर, बाहर विदेश में रहता है। उसका, उसके पति का क्या नाम है, उसके पति का नाम क्या है? नहीं पता तुझे?
ये अभी अंदर से निकला, इसको भूतों को नहीं पता है। उसके बच्चे कितने हैं? दो। दो लड़की लड़का? लड़की लड़का। एक लड़की एक लड़का। 7 साल पहले चाय में करके हम गया था उधर। कहाँ रहता है पूछना? वो कहाँ रहता है नहीं पता इसको। ये तो अभी अंदर से निकला है, 4 दिन हुआ इसको निकले, जड़ी बूटी हम देके निकाला है, तो इसको नहीं पता है। पहले वाला का जवान वो तो हेकलाहा था, वो मर गया, मर गया। और क्या बोलता था? पीर क्या बनता था? फकीर बन जाता था, मुस्लिम बन जाता था। पहले वाला वो हेकलाहा भी था, अहमद था, अहमद मारा गया। बहरहाल अब ये अंदर से निकला है, इसको ज्यादा कुछ पता नहीं है। जो अहमद नहीं है, ये अहमद गया ऊपर, पहले ही दिन मारा गया, अहमद चला गया। आपको कोई और सवाल जवाब करना है? बेटे के बारे में पूछना है बाबा जी। पट्टी खोलो इसकी। हमारे बेटे को कुछ किया है? पूछो पूछो ना, ये बताएगा। हमारे बेटे के बारे में बताओ। बेटे इसके बेटे को भी करके कोई खिलाया पिलाया है? किसने किसने किसने? सुरेंद्र। ये कौन है? हाँ मेरी सास। तुम्हारी सास? सास। कितने साल पहले करके खिलाया? हंसना यहाँ मना है गधो, हंसना सख्त मना है। कितने साल पहले? 20 साल पहले। सही बात है। उसको तकलीफ क्या होती है? जो कुछ नहीं कर, कुछ काम नहीं कर पाता है। सच्ची बात है। सच है। किस चीज में करके उसको खिलाया है? मीट में। कई खुराक में निकलेगा? 6, 7, 8 कई खुराक में निकलेगा? 9 खुराक में निकलेगा। बहुत पुराना है उसको, हमको मालूम है बाबा। बहरहाल दवाई लेके जाना उसको, विदेश में खिला के फिर उसको इंडिया लेके आना। ये गधे इधर, इसको इसका होने वाला पति को किसने खिलाया होगा? देख जल्दी इधर 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 इधर, ये इसको इसको किसने खिलाया होगा? मार मार निकला उल्टी में। सच बोलना, जो भी बोलना सच बोलना। बुआ बुआ पुप्पू पुप्पू। कितने साल पहले? दो। दो क्या? दो साल। दो साल पहले। बड़ी बुआ भी छोटी बुआ? नहीं कोई बता। नाम बता। नाम बता। छोटी या बड़ी? छोटी या बड़ी? बड़ी बड़ी। क्या दुश्मनी थी इससे? क्यों किया ऐसा इसके साथ? नहीं मालूम तुझे? बुआ का आदमी जिंदा है कि मर गया? बुआ का आदमी जिंदा है, कहाँ रहता है? नहीं मालूम तुमको? बच्चा कितना? कितना बच्चे है उसमें? बच्चे कितने हैं बोल? बुआ के दो, दो बच्चा बोल रहा है, ये उंगली बता रहा है। लड़की है कि लड़का? है दोनों लड़की है, दोनों लड़की है। वो तो बुआ को किसको है? बुआ की तीन लड़की, दोनों बुआ की तीन तीन लड़की है। तीन तीन लड़की है। अच्छा एक ये भी है, ये तीन। बड़ी बुआ। शादी कितने की हुई? शादी कितने की हुई है? किसी की नहीं हुई है शादी? शादी हुई है या नहीं? कितने की हुई है बोलो, मुंह से बोलो ना तुम। कहे की हुई है शादी? नहीं पता है तुमको? मार में खेल के दिलाया, वो ही मार निकल गया। चलो तुम्हारी भी परेशानी दूर होगी। और आपको कुछ पूछना है जो आप खुद डायरेक्ट बात करो। बात करो डायरेक्ट। मेनू कितने को आया? मतरेई मान है। ओहो तू क्यों बोल रहा है? माने को आया सगी माँ या सौतेली माँ? सौतेली माँ। किसमें? सगी माँ भी करके खिला देती है। किसने? कितने देर पहले? कितने दिन पहले? कितने दिन पहले? कितने साल पहले? कितने साल पहले? 20 साल पहले। किसमें किसमें? इसको क्या दिक्कत हुआ? इस चीज में मीट। अभी अंदर है मीट, निकला या नहीं? अभी नहीं निकला। अभी कई खुराक दवाई तुम्हारी? 4, 3 और। 3 है दवाई खाना, निकलेगा उसका पिक्चर बना के लाना। हम दोनों को बीमार किसने किया? हमारा रेस्टोरेंट किसने बंद करवाया? इसका होटल किसने बंद कराया? वो भूत प्रेत इसके
इसीलिए किया जाता है, माँ ने करवाया, माँ ने हमको, हम दोनों को ऑक्सीजन लगा है, उसको भी ऑक्सीजन है, मेरे को भी मिला है, माँ ने मेरा होटल बंद करवा दिया। उस माँ का नाम क्या है, जिंदा है कि मर गई? जिंदा है। नाम क्या है, नाम क्या है उसका? सुरेंद्र। कहाँ रही थी, इंडिया में या विदेश में? इंडिया में। अभी सब गए थे, आत्मीय होते हैं साले ये कमीना बना करने वाले सब। हम तो पहले मालूम था, एक साथ हमारा निकलना था, आज निकल गया, जो हम पहले अब 100% हो गया, ये बोल रहा है 100% हो गया बाबा, अभी तो निकला और किसी को ना, सिर्फ सुबह उठ के चाय इसको ही देती थी और किसी को नहीं, सिर्फ मुझको चाय देने आती थी जो दिल्ली माँ, सिर्फ मुझको चाय। और अभी एक पूछना है, जो मेरी बहन है उसको भी कुछ किया है? पूछ सकती बाबा है, मेरी बहन को किसने किया, मेरी बहन छोटी बहन है उसको भी किया किसी ने कुछ है? उसको क्या तकलीफ है, वो भी बीमार रहती है। मेरी छोटी बहन बीमार रहती है, उसको किसने किया? किसने किया? तू इतने साल से इसके अंदर है साला, तुमको सब तो पता है, बता बताओ साले, किसने किया मेरी बहन को? नहीं पता नहीं है, नहीं पता है, अभी तो ये 4 दिन हुआ बाहर निकला है साला। चलो कोई बात नहीं, कोई बात, बच्चों को है उसका, बाबा पूछना उसका, इसकी बहन के बच्चों को है, किसने दिया, किसी ने किया हुआ है? तू थोड़ा फिल्म बना, इसको किसने करके खिलाया, इसको किसने, पूरी ईमानदारी से बताना, है कौन, इसको करके किसने खिलाया? क्या बोल रही है, भूपेंद्र, भूपेंद्र कितने साल पहले, कितने दो साल पहले ये 2 साल से ही परेशान है, पढ़ाई से। आपको कैसे दिखाती थी हार ऐसे, तो ये नहीं दिखाती थी, वो भूत प्रे मुझे मालूम है, ये बोल तो रहा है, बोल रहा है, यही बोल रहा है, वो रिपीट कर रहा है, सही कर रहा है। उसके उसके घर में सोया सोती थी, एसी लगाना उसके घर में, मेरे घर में एसी नहीं है ना, आप सोने जाओगी मैडम उसके घर में एसी में? चलो और कोई गल करना है, हो गया बाबा सब, आपका पूरा 100% दूर हो गया। मेरी बहू, बहू को है कुछ, मेरी बहू, मेरी बहू, बहू को है कुछ प्रॉब्लम शादी के बाद, हमारी बहू को भी किसी ने कुछ कर दिया या नहीं, बचा हुआ है तो किया, चुप रहो, हमारी बहू को किसी ने कुछ किया हुआ नहीं, बचा बचा बचा, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, मुष्टि आज भी इसी से करा देते हैं, पिछले 7 साल कैसा रहेगा, हाँ थोड़ा लगाई देते हैं, बोलेंगे तो सब अच्छी बात है। चलो अभी तुमको हम इधर देखो मेरी तरफ, अगले डेट में इधर इधर देखो इधर, अगले डेट में जो इसके ऊपर भूत प्रेत था मुस्लिम बनता था मैं आपको, उससे हमने पुष्टि करवाया था, उसमें आधे आदमी का बहुत कम मात्रा बताया, बहुत से को बोला होते हुए भूत बोला नहीं है, कोई बात नहीं, हम लिखेंगे तो जनता कहेगी नींबू बेचने के लिए लिखवा रहे हैं वगैरह, तो हम उतना ही किया। तो अभी तुम पूरी ईमानदारी से ऊपर कितने हैं, अंदर कितने हैं, कई खुराक जड़ी बूटी, मैं तुम्हें वो शक्ति देता हूँ, और फिर अगले दिन में हम तुम्हें भी मौत दे देंगे, मौत मतलब मुक्ति, तुम चले जाओगे भगवान जी के पास, अभी मैं तुम्हें वो शक्ति देता हूँ, पूरी ईमानदारी से लोगों की पुष्टि करोगे, कई खुराक दवा, कितने ऊपर कितने अंदर, क्या निकलेगा? तो चाची है, दादी है, इधर देखो, अब तुम पूरी ईमानदारी से पुष्टि करना, वहां से आप हटो, इधर बैठो, अंदर दवाई, क्या निकलेगा देख उसकी आंख में, दिखेगा तुझे क्या निकलेगा, मीट, ये लो जल्दी बाहर, 2 नंबर तुरंत बाहर जाओ मैडम, वहां से हटो, जाने के लिए, जाने के लिए रास्ता दो जल्दी, तुरंत बैठो जल्दी तुरंत, चेक अंदर तीन दवाई, हाँ
क्या निकलेगा, क्या निकलेगा? सब्जी। चलो जल्दी जल्दी, तीन। हाँ रास्ते में से हटाओ, क्लियर करो ना, हाथ अलग अलग रहेगा, हाथ अलग अलग, सामने देखो। नौ अंदर दवाई, क्या निकलेगा? सही पुष्टि है, परफेक्ट, राइट। बारह जल्दी, पहले लिख लिया। एक सेकंड मैडम बैठो, जल्दी फास्ट बैठो। इसको क्या परेशानी होती होगी भूत प्रेत से? दर्द कहाँ पे होती है? सर में दर्द होती है मैडम आपको? आप कहाँ से आ रही हैं? मुंबई। मुंबई से पढ़ी लिखी हैं कुछ? कैसे यहाँ आपको पता मिला आने का? वीडियो, वीडियो देखा। वीडियो में कमेंट करते हैं कि बाबा फर्जी है, 420 है, फिर आप नहीं पढ़ा मैंने। वो नहीं पढ़ा, सीधे चला है। कमेंट भी करते हैं, 100 में 2-4 कमेंट करते हैं, गंदी गंदी बातें लिखते हैं, वो गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सच्चाई है तो सच्चाई है, उनको ये लिखना चाहिए। ठीक है, ओके मैडम। आपने इस लड़की को बाहर तो नहीं बताया था मुझे यहाँ सर में दर्द होती है? नहीं बताया था ना? चलो ठीक है, ओके। चलो हम इसे मौत देते हैं। इधर देख, इधर इधर, तेरी कहानी खत्म। इधर कहा दे, इधर पागल थाले, इधर तेरी कहानी हम। क्या क्या मारू का ये कप्पड़ थाले, सही हो जाओगे अभी कभी। आओ इधर जल्दी मार के, इधर चल भाग, चीता पे भाग। इसको आग पे डाल दो, अंदर डाला। उसका नाम बता, औरत या आदमी? औरत। क्या नाम है उसका, उस औरत का नाम? उस औरत का नाम है रज। क्या क्या रज? क्या रजविंदर? इस लड़की की वो कौन है? कोई है? कोई रिश्तेदार? रिश्तेदार नहीं है। क्या दुश्मनी थी इसको करके खिलाया? किस चीज में करके खिलाया था? किस चीज में करके तुमको अंदर डाला था इसके पेट में? उल्टी में इसको क्या निकला? चाय। चाय, चाय में उसने पिलाया था। ये कौन है रजविंदर? वो भी एक दूसरी चाची है। अच्छा, वो दूसरी चाची है, दूसरी चाची। उसका पति जिंदा है कि मर गया? जिंदा है। काम क्या करता है? काम क्या करता है? काम बाहर विदेश में रहता है। उसका, उसके पति का क्या नाम है? उसके पति का नाम क्या है? नहीं पता तुझे? ये अभी अंदर से निकला, इसको भूतों को नहीं पता है। उसके बच्चे कितने हैं? दो। लड़की लड़का? लड़का। एक लड़की एक लड़का। 7 साल पहले चाय में करके वो क्या है? वो कहाँ रहता है? नहीं पता इसको, ही तो अभी अंदर से निकला है, 4 दिन हुआ इसको निकले, जड़ी बूटी हम देके निकाला है, इसको नहीं पता है। पहले वाला का जवान वो तो हेकलाहा था, वो मर गया, मर गया। और क्या बोलता था? पीर क्या बनता था? फकीर बन जाता था, मुस्लिम बन जाता था। पहले वाला वो हेकलाहा भी था, अहमद था, अहमद मारा गया, मारा। अब ये अंदर से निकला है, इसको ज्यादा कुछ पता नहीं है। जो अहमद नहीं है, अहमद गया उमर, नहीं थी मारा, अहमद चला गया। आपको कोई और सवाल जवाब करना है? बेटे के बारे में पूछना है बाबा जी। पट्टी खोलो इसकी। हमारे बेटे को कुछ किया है? पूछो पूछो ना, ये बताएगा। हाँ हमारे बेटे के बारे में बताओ। बेटे, इसके बेटे को भी करके कोई खिलाया पिलाया है? किसने किसने किसने? सुरेंद्र। सुरेंद्र ये कौन है? छिंदौर।
मेरी सास। तुम्हारी सास? सास। कितने साल पहले करके खिलाया? हंसना यहाँ मना है गधो, हंसना सख्त मना है। कितने साल पहले? 20 साल पहले। सही बात है। उसको तकलीफ क्या होती है? वो कुछ कुछ काम नहीं कर पाता है। सच्ची बात है। सच्ची। किस चीज में करके उसको खिलाया है? सभी के सभी चले गए। आप बताइए भाई। चले। चले। अभी मेरे को हमारे घर में अंधेरिया में कोई आपका साथी है? कोई नहीं है। इंडिया वाले घर में कोई आपका साथी है? इस आँखों का पता हो रहा है कि आँखें ठीक हो जाएंगी। मेरी बेटी की आँखों बोला था खराब किया है तो वो ठीक होगी। और कौन करेगा किसने खराब किया है वो भी ठीक करेगा। होगा और कब होगा? हाँ जी होता है। आंखों किसी ने खराब किया लेकिन ठीक नहीं होगा। वो बाबा जी करवाएंगे। वो नहीं करवाएंगे। वो क्या करेगा? वो ठीक हो जाएगा तो आत्मा हाथ धोवा देंगे। मुझे पूछना हाथ का भी तो मेरे दर्द हो रहा है ये किसने किया? तो मेरे बाजू में जो दर्द हुआ है ये किसने किया? बताओ ये दर्द किसने दिया? बताया था। तो आप ठीक कब होगा? करवाएगा तो ठीक हो जाएगा। बेवकूफी का सवाल मेरे में कुछ नहीं निकला मगर मेरे सारे शरीर में बदन में दर्द रहता है। मेरे शरीर में दर्द क्यों रहता है? ये बोलता है मैं करता हूँ ये बोल रहा है। तो मेरे को क्या आराम दो ना, कैसे मिलेगा? पागल खाने जाओ, वो आराम देगा तुमको। वो आराम देगा पागल है। मेरी माता की भतीजी बच्चा छोड़ के बेटा छोड़ के भाग गया। वो कहाँ है? ये जो माता बैठी हुई है इसकी भतीजी वो बेटा छोड़ के भाग गया। वो जिंदा है या मर गया? जिंदा है या मर गया? जिंदा है। कहाँ है? जिंदा है तो कहाँ है? देखो बताओ अगर जिंदा है तो कहाँ है? बच्चों को माँ की जरूरत है। बच्चे माँ को याद करते हैं। कहाँ है? या नहीं निकला? निकल गया। देख लेना मजे से पूरी ईमानदारी से हाथ अलग अलग निकल गया। मुंह से बोल फटाफट। हाँ निकल गया। चलो अभी आपका हम भूत मार देंगे। वेट करो आ जाओ मैडम। उसका भी चेक करो निकला या नहीं। नहीं निकला। क्या खुराक दवा हो जाएगी? दो खुराक दवा आपको खाना है। ये वापस करा के कैश ले लें। दो खुराक दवा खाने के बाद फिर आप अंदर तक भूतों को मरवाएंगे। राइट बाबा जी इसका भी उनकी नहीं है। निकला या नहीं निकला? नहीं निकला। क्या खुराक दवा और चलेगी? पांच खुराक दवा और चलेगी। मिट्टी चेक कराना है। ये मिट्टी वाली चेक कर लें। मिट्टी के भूत मरवाए थे उस बार या नहीं? मरवा दिए। हाँ कितने? तीन। तीन और तीन। और किसी का? अंदर से निकला या नहीं निकला? निकल गया।
पक्का पक्का चल कट गया है आपको कटा नहीं फ्राई देते हैं जल्दी मैडम को भी भेजिए दो इसको आप उनको भेज दो आपका निकल गया ना जल्दी भेज दो रुचि को भेज दो फटाफट अरे उनको नहीं आपका निकल गया ना तो आप उनको दो फटाफट मम्मी रहने दो रुचि मिट्टी चेक करना है नहीं है मिट्टी में जल्दी जल्दी आओ मैडम इधर आपका मार्केट वापस दवाई शुरू है निकलना दीजिए जो आएंगे आ जाएंगे चेक में बाकी है क्या अपन चेक में नहीं है ना सेलिब्रिटी चेक कराना और अपना भी चेक कराना ना हाँ तो अभी नंबर आएगा तो मिट्टी आ रहा है आपको बोलना दो खुराक दवाई चाहिए इसको क्या हुआ आपको ले कर दिए तो है ना वो है हम आएंगे वेट करो तो वेट दिखाओ सिर्फ कार बन जाए यार मैं मिट्टी चेक करो है नहीं कायदे से देखना पूरी ईमानदारी से फिर नेक्स्ट टाइम आना तो फिर देखिएगा फिर आइएगा इस पे डाउट है हाँ दादा कर बहरी है क्या ये बात सब पे लागू होती है हाँ दादा देखो कौन है इसके साथ कौन है इसके साथ हाँ कोई पागल है इसके साथ बाप जो बाद में आना आखिरी में आना जो नहीं आखिरी में आखिरी में जो आखिरी में नहीं है नहीं देखेंगे इसके आप नहीं नहीं आखिरी में आखिरी में आखिरी में जो भागो जल्दी से आखिरी में एकदम लास्ट में नंबर दो कौन है जल्दी जल्दी बाहर जल्दी जल्दी फास्ट स्लिप उधर देना भाई नंबर कौन है मिट्टी लाए चल कदे आओ तू बुरा कदा है साथ में बाद में लिया तो मैं क्या करूं चल सामने देखो चल ऊपर कितने फिर से दे पगला मैं तुम्हें भोसड़ी के कायदे से देख दे लटका दूंगा तुझे साले लटक जाएगा ना इधर ना उधर सात अंदर दवा हाँ फिर से चेक कर गलत बोला छः छः लिख दिया पागल हो गए और कुछ है चलो बाद में आना तीस नंबर का इवेंट करो बाहर जाओ नंबर तीन नंबर चार क्या निकलेगा ये क्या निकलेगा हमें आखिर बताना हम इस टाइम बर्बाद नहीं कर रहे क्या निकलेगा फिर समय नहीं बर्बाद करेंगे मारा एक को समझ में नहीं आया पागल हो गया था हाथ अलग अलग छः कितने पाँच अंदर दवा छः मिट्टी चेक कर सात मिट्टी ये लो बाहर जाओ जल्दी जल्दी नंबर चार रास्ता एक साइड जाने के लिए छोड़ो वहाँ रास्ता साइड से भाई छः इसको भेज दो इधर इसको फर्स्ट टाइम में ले लो इसको ले लो अच्छा जी को अच्छा जी ऊपर कितने हैं सात अंदर सात दवा छः चलो मैडम आप इधर आ जाओ
सेक्शन नंबर 7 नंबर ये सारा भूत प्रेत मरवा के गया तो अभी सारा मरवा दिया अभी तो है या नहीं है या नहीं जल्दी फास्ट चेक है या नहीं है कितने हैं अभी ऊपर ठीक है फिर नीचे चेक करो मिट्टी में नहीं है नहीं अरे तो ऊपर आओ मिट्टी उठी लाए फोन काल के रेडी रहना अभी आप लोग जो मिट्टी चेक कराना है वो अपना पिन निकल कर रखा है चेक इधर है इसकी आंखों में चेक हाँ यहाँ से देख नहीं है अंदर नहीं है फिर कभी ट्राई करना मन में गाली दे के आना जो भी है असल का है दोगला है या मेरे साथ है अरे वो कर कर सकता जो सुबह से बात करता एक बार उठ कर चेक इधर चेक हाँ पांच अंदर दवा किसी के घर नहीं है उसकी मिट्टी है मिट्टी चेक कर चार नंबर सात चेक क्या पांच अंदर सात तो हो गया बात सात रंग दवा अंदर इधर इधर से जा इधर से जा आप हमें देखो हाथ अलग चेक अंदर दवा छः दवा क्या निकलेगा घर देखिएगा मिट्टी लाई है हाथ अलग रहेगा चेक करो हाथ अलग ऐसे उसकी आंखों में देखो चेक चेक नहीं है अंदर अंदर कितने सात दवा छः मिट्टी चेक कर अंदर मिट्टी चेक करो सात सिर्फ तो बाहर बैठो जाने तो एक बार हो पीछे क्या करेगा फिर क्या करेगा उसका बाहर क्या आप हमें चेक नहीं है अंदर भी नहीं नहीं फिर आगे कभी चेक कराऊंगा अरे भेजो ना दूसरा कोई है तुम्हारा भेजो जल्दी यार फास्ट ले आओ तुम लोग इसीलिए बोलते हैं चेक पास अंदर दवा चेक अंदर छः अंदर दवा सात हंसो नहीं हंसना बाहर जाके हंसना नहीं समझ में आएगा पर्ची फाड़ के घर चले जाना छः पाँच सात अंदर ऊपर कितने हैं दवा कितना ऊपर कितने हैं गधे रिपीट नहीं करते हो गधे ऊपर कितना नौ अंदर ऊपर कितने ऊपर नौ अंदर नौ अंदर
अंदर नौ, ऊपर ऊपर नौ बोला, ऊपर भी नौ अंदर भी नौ, दवा सात, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा? अंदर दवा उल्टी में क्या निकलेगा, इसको उल्टी में क्या निकलेगा, दाल, इसको क्या परेशानी होती हो, इसको क्या परेशानियां होती होगी, पढ़ाई में होता है ऐसा, पढ़ाई में बोल रहा है। अब आपको विश्वास हो तो भूतों को मरवाना, नहीं विश्वास हो पर्ची फाड़ के घर जाना, ये बात सब पे लागू होती है। चलो जल्दी इसको चेक करो, इसको चेक, अंदर दवा पाँच, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, फिर हाजिर हो जाएगा, पूछो हाजिर हो जाएगा, हाजिर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, कराएंगे बाद में कराएंगे। आओ इसकी रवैया के अम्मा के लिए भेज दूँ, जल्दी जल्दी चेक, तो उसको बुलाओ ना, वो तुम्हारा भाई, वो बीवी भाई का कहाँ है, सारा पागल हो गया, हाथ अलग अलग करो पागल हो, सामने देखो चेक चेक, अंदर नहीं नहीं चलो चेक कैसे मर गया था किसने मारा तुझे, अब मुंह से बोल, नहीं तो मारने लगूंगा ताले। रहने वाला कहां का था, यूपी का, कहां का रहने वाला था, कहां का बोल के बता, क्या जहानाबाद, फिर बोल कायदे से बोल, पंजाब, इसको कहां पे पकड़ा तू, किसने पकड़वाया, मैं नहीं पता, कितने साल से तू है इसके ऊपर, कितने साल से तू इसके ऊपर है, तीन साल से, तीन साल में इसका क्या नुकसान किया तूने, मैंने हाँ इससे गलत काम, बोल या। चल बस आगे बोल, और इसके धंधे में इसके बाप के कौन नुकसान किया, नहीं किया, तूने किया, नहीं किया, इसको क्या बनाया, बहन या बीबी जिसके ऊपर है तू, बीबी, और इसके अलावा इसके घर में किसको किसको बीबी बनाया, माँ, इसकी माँ को, और हम यही करते हैं ये सब, हाँ हाँ हाँ, कपड़ा तू क्या पहना है, बूसड है, कुर्ता है, क्या है, कुर्ता, जो ये लड़की किस रंग का कपड़ा पहनी है, लड़की किस रंग का कपड़ा पहनी है, का है,
काला, और तू भी काला पहना है? कैसे तू मर गया था ये बता। मारा। किसने मारा? किसने तुझे मारा? है? किसने मारा और कैसे मारा ये बता तू। हाँ मारा। कैसे मारा? गया था। किसने मारा था? मेरे पड़ोस। पड़ोसी? वो हिंदू था कि सिख था कि मुस्लिम था? वो मुस्लिम था। और तुम कौन हो? मैं भी मुस्लिम हूँ। पहला कलमा? माजुर पहला कलमा पढ़ के सुना। तू मुस्लिम है तो जल्दी सुना पहला कलमा। जोर से हम सुनना चाहेंगे पहला कलमा जल्दी तुरंत। ये कलमा तो नहीं है वो तो हमें भी मालूम है। तुम रिपीट कर रहे हो वही कॉपी कर देगा। पहला कलमा कैसा मुस्लिम है तू साले? पहला कलमा तू कौन है? किस जाति का है? चमार है? डोम है? पंडित है? कौन है तू? है क्या है क्या 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 पंडित हो? गोश्त मांस खाते हो? बस के बोलो जो बोलो। कौन है तू? कौन है तू? नाम आप बोलेगा अहमद। फिर तू पंडित कैसे हो सकता है ये बता जल्दी। हैं नाम फिर बता। अहमद हिंदू का नाम होता है? नहीं है, ये मुस्लिम का नाम है। मुस्लिम है क्या? जल्दी जल्दी बोल तू कौन है? सही सही बता कौन है तू? किस जाति का है जल्दी? किस जाति के हो तुम? है जल्दी किस जाति के हो? पहला कलमा बता दो हम मान लेंगे कि तुम मुस्लिम हो साले। कई साल की उम्र में मरे थे? 26। तुमको मरे कितना साल हो गया? 17 साल पहले मरे हो। 26 साल के थे इसके उसके बाद तुम इसके इसके पहले किसके ऊपर रहते थे? किसने भेजा इसके ऊपर? नाम उसका बता। नाम नाम बता उसका। नाम किसने भेजा इसके ऊपर? सच बोलना जो भी बोलना सच। झूठ बोलेगा बहुत मारूंगा। क्या किसने भेजा तुमको इसके ऊपर? वो औरत है या आदमी? जिंदा है या मर गई? क्या नाम है वो? उसका नाम क्या है औरत का? नाम बताना पड़ेगा। नाम तो सुनना है ना। नाम बता। नाम नहीं फिर मारूंगा मैं। मारना नहीं चाहता हूँ तुझे साले। जल्दी जल्दी बता नाम बता उसका। वरिंदर है नाम उसका है। क्या नाम है? क्या नाम है? वरिंदर। बोल तो रही है सुनो ना। बोल तो रहा है। कौन है वो? वरिंदर
कौन है ये? वो तो चाची है इसकी। हाँ तो गैरों को फुर्सत नहीं है, ये गरीब है मिलेगी। अच्छा एक बार इसका ए मेरे पति का शक निकालो, इससे और दो तीन बार बुलाओ। किस चीज में करके खिलाया इसको? मैंने खाया था इस चाय में, पिया चाय में भी चाय 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 में भुतुआ को डाल के इसको पिला दिया, पिलाया तब क्या? तेरे को थोड़ी पिलाया तभी तो इसके ऊपर है। क्यों बोलती इसे क्या, इसको क्या दुश्मनी थी इस लड़की से या इसके किसी और से? क्या दुश्मनी थी इस लड़की से? दुश्मनी थी उसकी तुझे नहीं साले, तुमको पता होगा इस लड़की से दुश्मनी थी या इसके परिवार से? उसकी क्या लगती है, तेरी क्या लगती है? तो मुंह बंद कर लो मैडम, नहीं तो आप क्या दो मिनट में पत्ता साफ हो जाएगा। जरूरत से ज्यादा बोलोगे ना तो गेट के बाहर चली जाओगी दो मिनट में। इस लड़की से उसकी कोई दुश्मनी थी या इसके परिवार से? परिवार से। परिवार से किससे? इसकी लड़की के माँ से या बाप से? दोनों। क्या दोनों? ऐसे थोड़ी होता है, मुंह से बोले साला। बाप, हैं? बाप, माँ और बाप। अच्छा क्या दुश्मनी थी, क्या दुश्मनी थी उसको? उसके पास सब कुछ है। अच्छा इसके पास सब कुछ था, उसके पास कुछ नहीं था, इसीलिए ऐसा किया कि तू भी कटोरा लेके भीख मांग। उसके पास भी उतना है, हमके पास उतना है। तुझे ना लग रहा है, अगर उसको लग रहा है कि तेरे पास बहुत है, तू विदेश में है, यही बात है। वो भी विदेश में है। अबे गधे, हमें तो लगता है ना कि ये थारा बहुत पैसे वाला है, सोने की घड़ी पहन के आया है और इसके जेब में एक रुपया भी नहीं है। अब मेरे जेब में इतना है कि यहाँ पर किसी के पास नहीं है, मेरे जेब में इतना रुपया है कि यहाँ पर किसी के पास नहीं होगा इतना। तो जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। चल अभी तू कल रात में पंजाबी में गल करता कर। हाँ असी तेरा की बगाड़े, असी भुपिंदर का की बगाड़े, असी भुपिंदर का की बगाड़े, असी तो उन्हें प्यार करने, असी तो उसकी सारी मदद करने हैं, सारे उन्हें कोई नहीं बुलाता, असी बुलाने हैं उन्हें। असी उसकी मदद की है, उन्हें सारी रिश्तेदारी छड़ गई है, असी उन्हें हौसला देने हैं, असी उसके नाल हैं। फिर उन्हें सामने क्यों किया? चल अंदर साले, अंदर काम की बात बता, जल्दी जल्दी काम की बात बता साले। पंजाबी तुझे आती है या हिंदी आती है? बहुत जल्दी, कौन भाषा आती है? हिंदी, हिंदी में बात कर साडा। हमारा अबे हिंदी में बात कर, हमारा हमारा और क्या कुछ खराब किया इस बच्ची की, इस बच्ची को कौन कौन सा नुकसान किया? सब कुछ तो करो, खत्म किया और क्या क्या तकलीफ दिया? जैसे बीमारी लगाया, कौन सी बीमारी दिया हुआ है? हाँ ये देखा है, ये वापस लाना है, ये वापस चाहिए हमें, ये जो आंधों को कोई किया है ये हमें वापस चाहिए। हमें मालूम है ये तू 2 साल का था तब ठीक था, उसके बाद प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, ये हम जानते हैं। आज बाबा जी की कृपा से ये हम यहाँ तक पहुँच पाए, जानते हम बहुत देर से हैं, तेरा नाम भी हम जानते थे कि तू ही है। पूरा बताता था इसके पहले भी है, पूरी कहानी बताया था, जो अभी बताया नहीं, लेकिन हम समझते थे उसी ने किया होगा। नहीं नहीं ये तो ओके नहीं, आप शक तो इस पे भी कर सकते हो, उस पे भी, सब पे करो, हम पे भी करो। अच्छा हाँ, मगर शक का कोई मतलब नहीं, जब तक भूत रियल ना बोले तब तक उसको हम मुलजिम नहीं ठहराते। अच्छा अच्छा ये आप बता दो काम की बात साले, वो खुद करती है या करवाती है? करवाती, अगर वो करती तो मैं उसको आत्मा को भी यही जगह बुला देता अभी तुरंत। हाँ जी, मगर वो करवाई के लाई है। कहाँ से करवाती है वो, किस जगह?
तुमको कहाँ से लिया यहाँ पर? परदेव के पास, परदेव के पास, पंडित के पास। मायके से या नैयर से, कहाँ से करवाती है? नहीं, वो है उसका पास। मेरी बात सुन साले, हिंदी में मेरी बात सुन, इधर देख मेरी तरफ ताक, इधर इधर देख इधर। वो अपने माँ के घर से करा के लाती है या ससुराल में कहीं दूर दूर से करा के लाती है? सही बोलना, जो भी बोलना। अबे अबे क्या मुसलमान से? अरे ना तुम बोल रहे हो ना, इधर देख इधर। वो अपने घर यानी अपने माँ के घर से करा के लाती है या अपने ससुराल में कहीं दूर या गांव से करा के इसको करा है? ससुराल है। अच्छा, ससुराल के ही आसपास में। करने वाला कौन है, हिंदू है कि मुस्लिम है? हिंदू है। कितना पैसा उसको दिया था करवाने का? 50,000 उस दौर में, यानी कितने दिन के पहले, कितने साल पहले, कई साल पहले, कई साल पहले, बयान भी नहीं बदला, बार बार वही 3 साल। चलो राइट, यही ना कहते हैं भूत मरवाने में कुछ नहीं लगता है गधो, करवाने में बहुत रुपया लगता है। कई घड़ी वो साला करवाएगा? भूत मरवाओगे तो 250 रुपया एक भूत के। कितने हैं अभी ये खुद ही बताएगा साला। अच्छा ये बता, अभी पूरी बंदारी से साले इधर देखा हमारी तरफ, ऊपर कितने अंदर कितने हैं? चाय निकलेगा ही तो मालूम हो गया। कई खुराक जड़ी बूटी 5, 6, 7, 8 ये जड़ी बूटी तुमको दिखाते हैं साले। ये देख, ये एक खुराक है, कई खुराक में वो चाय निकलेगी? देख ले, यही है जड़ी बूटी निकलने का, अंदर से निकालने का, यही चाय है, यही जड़ी बूटी है। देख ले कई खुराक, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 1 तू बता पूरी ईमानदारी से साले, कई खुराक में निकलेगा चाय? कितना मुंह से बोल, ये सब भाषा हमको नहीं आती है साला। कई खुराक ये बोल, 7 ये उत्तर सही है। लिस्ट में भी यही आता है ना हमारे की, हम पुराने कुछ बैठे होंगे तो है ना, 6 खुराक 7 खुराक 8 खुराक बहुत ही कम लोगों को 10, 11, 12 लग जाती है। एक बार में नहीं निकला तो फिर इशू हो जाता है, नहीं तो 5, 6, 7, 8 इससे ज्यादा नहीं भागती, तो ये उत्तर सही है। चलो ऊपर तुम लोग कितने भूत प्रेत हो इसके, और अंदर कितने हो ये भी सही सही बताना। ऊपर ज्यादा करिए ओझी ओझा सोखा मुल्ला पंडित साले, 8, 9 की संख्या रहती है ऊपर और 8, 6, 7, 5 अंदर पेट के अंदर। तो तुम लोग ऊपर कितने हो? जो दो, दो। ये उत्तर गलत है। ऊपर तुम लोग कितने हो इसके, पूरी ईमानदारी से बताना, कोई गड़बड़ी नहीं। जल्दी बता, हम इस, हैं? पाँच। अब तुझे लेके कितने हो रहे हैं? हाँ ये उत्तर सही है साले, मैं ऐसे ही बाबा नहीं बन गया हूँ, ये उत्तर सही है। 6 अंदर कितने हैं ये बता, चाय के साथ कितने हैं साले? ये उत्तर गलत, पेट के अंदर भूत प्रेत कितने हैं चाय के साथ? 9 की संख्या गलत थी, यानी ज्यादा है वो। ये हाँ ये उत्तर सही है, 7 ये उत्तर सही है, 6, 12, 7 अंतर ये उत्तर सही है, 7। तो तू इतनी दबंगई क्यों करता था साले, आईना तोड़ता था और इसको कुदा दूंगा भोसड़ी के, तू दबंगई क्यों करता था ये बता जल्दी। मुझे सब कुछ पसंद है। क्या पसंद है, क्या पसंद है बे? कुछ कुछ। तुझे खाने में क्या पसंद है? अभी मैं तुमको साले खिचड़ी खिलाता हूँ आखिरी, उसके बाद हम तुझे मौत दे दूंगा। मौत समझते हो, मौत, मौत समझते हो ना, तुम्हारी आखिरी, हम तुमको अभी खिचड़ी खिलाऊंगा उसके बाद तुम्हें हम ऊपर भेज दूंगा।
फिर तुम्हें कोई नहीं बुला सकता इस पे या उस पे या उस पे। हाँ, यहाँ काम होता है, काम ड्रामा नहीं होता है, समझा? नहीं कोई टेंशन नहीं। अभी तू सारे खिचड़ी खा लो, आखिरी खिचड़ी खा लो, आज के बाद फिर तुम कुछ नहीं खा सकते हो सारे, अब ड्रामा बंद कर दो तुम तुरंत। अब हमें ये लड़की से बात करना है, अभी तू साइड हट जा, साइड हट के खिचड़ी खा लेना सारे, साइड हट, इससे बात करना है अभी। डॉक्टर क्या बोला? भूत प्रेत नहीं होता है, होता नहीं है। पुलिस वाला बोला ये नहीं, नहीं होता है, हम नहीं इसको मानते, सब पागल है। मेरा बेटा खुद बोलता है हम नहीं मानते। ठीक है, ठीक हो जाएगा ना, तो बोलना कि ये पागल नहीं है सारे, पागल तुम हो। बोला तो देना, ऐसा ही बोलना कि ये वीडियो भी दिखाना, बोलना पागल ये नहीं है, पागल तुम लोग हो सारे। देखो साइड हो गया, हमने कहा पहले भी कहा था, अभी कहूंगा। मैडम कुछ खाया पिया आपने? क्या खाया? पराठा खाया। देखो आवाज भी बदल गया आपका, हमने अभी आपके भूतों से बात किया था, तीन साल से आपको बीबी बना के रखा है, 1 बीबी 2 बीबी 3 बीबी। अब रोने साला हंसने का दिन आया तो तुम रो रही हो, पागल है क्या तुम साला? अब हंसने का दिन आया तो तुम रो रही हो, पागल हो तुम साला? जाओ खिचड़ी खाओ, भागो, जाओ खिचड़ी खा के आओ, भाग जाओ। हम उसको सजा नहीं दिलाना चाहते। अरे पहले खिचड़ी खाने दे, जाओ जाओ अभी जाओ, खिचड़ी खिलाओ, मुँह हाथ धोके खिचड़ी। हेलो हेलो बाबा जी, राम राम। बोलिए। मैं, हमारे घर में जरा दिक्कत सी हो रही है, वही परेशानी सब बहुत हो रही है। कहाँ से बोल रही है? मैं नजफगढ़ से बोल रही हूँ। मैं नजफगढ़ से, आपको जहाँ का एड्रेस है वहाँ आना पड़ेगा, फोन पे बात करने से आपकी परेशानी नहीं दूर हो जाएगी। वो क्या कहते हैं, यही आने से होगी? क्या बेकूफी वाली बात करती हूँ, यही बात अभी हमने बोला है ना, जब यहाँ होगी तभी ये परेशानी आपकी दूर होगी। और ये हमने यूट्यूब में देखा था, वो क्या कहते हैं, फोन से भी हो रहा था। कौन बोला है फोन से हो रहा है? गधा है वो, फोन से क्या होता है? हाँ। कौन बोला है आपसे फोन से होता है? यूट्यूब में देखा था, नेट में। फोन से होता है? आप फोन से बात करके हो रहा है करके? कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, फोन से बात करने से कुछ नहीं होता है। रखो फोन। ठीक है। हेलो हेलो, नमस्कार, बाबा जी बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जी। नमस्कार, मेरा नाम राम है। हुँ? और मैं फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हूँ। मैं शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाता हूँ। मेरा अगला सब्जेक्ट है जो वो स्प्रिट के बारे में है, तो मैं आपका यूट्यूब पर देख रहा था कुछ वीडियोस, मैं जानना चाहता था क्या ये पॉसिबल है कि मैं आपसे मिल सकूँ? क्यों, कोई भी मिल सकता है हमसे। अच्छा अच्छा, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं कुछ शूट कर सकूँ? एकदम शूट कर सकते हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं बाबा जी? कुछ पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं आप? मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो नेट पे लिखा हुआ है पूरा एड्रेस, किस दिन बैठते हैं, सारी जानकारी लिखी हुई है उस पे। अच्छा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर हूँ और यूट्यूब पर नहीं लिखा है। हर वीडियो के आखिरी में आएगा, आप देखिए, वीडियो कोई भी खत्म होगा उसके बाद आएगा। अच्छा, आखिरी में आएगा। हाँ। ठीक है, मैंने पूरा देखा नहीं है अभी। ठीक है, तो मैं क्योंकि फ्रेंच मीडिया के लिए काम करता हूँ। ठीक है, तो अगर तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ पहले, तो ठीक है, फिर मैं देखता हूँ, आपका एड्रेस देखता हूँ और फिर मैं आपसे मिलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। और वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको अगर मैं शूट करता हूँ तो कुछ फिल्म? अरे भैया, हमने कहा ना कि कोई भी पूरी दुनिया का मीडिया आके शूट करे और दिखाए सच्चाई, यहाँ की हमारे यहाँ की सच्चाई पूरी दुनिया को दिखाए, पूरी दुनिया का भला हो, हम ये चाहते हैं जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच बाबा जी। ओके, मैं आपसे बाद में बात करता।